देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल बन चुका है, इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? वही आएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी भाई, और बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या कारण है? कारण बढ़िया, काम अच्छे कर रहा है, सारे काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोट है, तो इस बार कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे आप? भाई साहब, हमारे तो भाई आम आदमी पार्टी रहेगी भैया। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। क्या कारण है? अच्छे काम किया और के जो है। अच्छे काम किए? कौन सा अच्छे काम किए? भाई साहब, स्कूल बनवाए, यातायात फ्री कर रखा लेडीजों को। दिल्ली में लोकसभा चुनावों का माहौल बन चुका है, इस बार क्या लग रहा है? मोदी। क्या कारण है? मोदी सभी कारण है, सभी का जो बढ़ावा है मोदी में। राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे, पप्पू को पता नहीं है, मुंह से निकलूंगा, राहुल गांधी काहे में बन जाए। लेकिन वो कह रहे हैं हम देश का विकास करेंगे, हम पढ़े लिखे। भैया कह रहे हैं आलू को सोनो बना दे, तो मैं कैसे बाहर चलेगा जा। नमस्कार, मैं चिराग जैन, आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। हम लगातार पूर्वी दिल्ली लोकसभा कवर कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनावों का माहौल बन चुका है, देश में हर जगह लोकसभा चुनावों का महापर्व शुरू हो चुका है, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोकसभा चुनावों का माहौल देखा जा सकता है। आज हम पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, जहाँ पर हम जानेंगे लोगों से कि इस बार वो किस पार्टी को वोट देंगे, उनकी क्या राय है और वो किस प्रत्याशी को अपना सांसद बनाएंगे। तो आइए सीधा जानते हैं लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? छोटू। छोटू भाई क्या करते हैं आप? पनीर का काम करते हैं। हाँ। देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल बन चुका है, इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? वही आएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी भाई, और बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या कारण है? कारण बढ़िया, काम अच्छे कर रहा है। क्या काम नहीं कर रहा बताओ? सारे काम अच्छे कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? इस बार देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल है, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक ठाक भैया, और जो है काम ठीक चल रहा है? काम तो महंगाई डबल हो गई, और के जो है महंगाई डबल हो गई है। लेकिन नेता तो वादे कर रहे हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अच्छे काम, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे हाथ हो गए, महंगाई जो डबल हो गई, हर चीज डबल हो गया, और क्या चाहिए? अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोट है, तो इस बार कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे आप? भाई साहब, हमारे तो भाई आम आदमी पार्टी रहेगी भैया। आम आदमी पार्टी। क्या कारण है? अच्छे काम किया, और के जो है अच्छे काम किए। कौन सा अच्छे काम किए? भाई साहब, स्कूल बनवाए, यातायात फ्री कर रखा लेडीजों को। तो मतलब दिल्ली के काम आपको अच्छे लगते हैं? बीजेपी कह रही है केजरीवाल चोर है। दुनिया है, दुनिया बहुत बहुत आदमी इधर उधर करते हैं भाई। अच्छा, और क्या मतलब आप इस बार पार्टी को पार्टी देश भर में और दिल्ली में लोकसभा चुनावों का माहौल बन चुका है, इस बार क्या लग रहा है? मोदी। क्या कारण है? मोदी सभी कारण है, सभी का जो बढ़ावा है मोदी में, क्या नहीं है? पब्लिक आराम से रह रही है कि सब चीज में 370 हटा दे, राम मंदिर हमारा बन गया, और क्या चाहिए हमें? राहुल गांधी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे, पप्पू को पता नहीं है, मुंह से निकलूंगा, राहुल गांधी काहे में बन जाए प्रधानमंत्री। पप्पू मैंने कहा पता है, लेकिन वो कह रहे हैं हम देश का विकास करेंगे, हम पढ़े लिखे। भैया कह रहे हैं आलू को सोनो बना दे, तो मैं कैसे बाहर चलेगा जा। अच्छा, मोदी के काम कौन से आपको अच्छे लगते हैं? हम मोदी का राम मंदिर बन गया और 370 हट गई और सभी काम यूपी में देखो, सुरक्षा है अच्छी, कभी छेड़छाड़ी नहीं है, कहीं भी चले जाओ आराम से, पब्लिक रह रही, इसलिए अच्छा है। तो इस बार 25 मई को आप मोदी को वोट देंगे? मोदी को देंगे। लेकिन मोदी तो यहाँ से नहीं लड़ रहे, एक बात बताइए, जब लड़ रहे उनका नाम तो लड़ रहा। अच्छा, आप मोदी के नाम पर वोट करेंगे? गुरु जी बहुत बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी, देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल बन चुका है, इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को। क्या कारण है? सब सुविधा मिल रहा है, सुविधा सारे मिल रहा है, देंगे बीजेपी को वोट। काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में आएंगे? आज आएंगे जी। 25 मई को दिल्ली में बीजेपी को वोट करेंगे? सर, 25 मई को दिल्ली में वोट होनी है, इस बार किन मुद्दों पर वोट? हाँ, तो हम तो सही देंगे बीजेपी को भैया, बीजेपी को देंगे। यहाँ से बीजेपी की ओर से हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार खड़े हुए। सब खराब, बीजेपी के सामने सब बेकार है, सब बेकार है। अच्छा, बीजेपी के कौन से काम से प्रभावित है? सारे काम बढ़िया, राशन मिल रहा है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिल्ली में जो है विकास किया है। केजरीवाल जेल में बैठा है, क्या कह रहे हो? अच्छा, केजरीवाल जेल में बैठा है, लेकिन वो कह रहे हैं मोदी ने हमें जेल में बैठवाया, काम अच्छे कर रहे हैं, मोदी के काम बढ़िया, मोदी के काम अच्छे हैं। तो 25 मई को आप बीजेपी को? बीजेपी को देंगे सब। हम देख रहे हैं आपका साड़ियों का और बाकी सब काम है, काम कैसा चल रहा है गुप्ता जी? काम ठीक है, स्लो भी है, मीठा मीठा है, वैसे मीठा मीठा है। हाँ जी। और देश की राजनीति बड़ी इस समय गरमाई हुई है, क्या सोचते हैं देश की इस समय जो स्थिति चल रही है, लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? भाई एक तरफ ये है, इस बार 400 पार,
एक तरफ ही है। हाँ जी। इस बार 400 पार जी। तो यानी आप बीजेपी को इस बार वोट करने के लिए पूरे अग्रसर है? देश के विकास के तरफ है हम। अच्छा। देश का विकास तो देखो आप देख ही रहे हैं। हाँ। पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है। हाँ। तो दिख ही रहा है सबको आज का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में 10 साल से जब से बीजेपी आई है सब कुछ खत्म कर दिया है, नौकरियां खत्म कर दी है, महंगाई बढ़ा दी है, सब कुछ कर दिया है, और इस बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हम पीएम बनते हैं तो रोजगार भी बढ़ाएंगे और देश का सर्वांगीण विकास करेंगे, तो उन्हें लेकर क्या ख्याल है? रोजगार का इशू तो शुरुआत से ही है जी। अच्छा। जब हम बात करें 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी रोजगार के इश्यूज थे, और बाकी बात रही महंगाई की तो विश्व स्तरीय के रूप में हम देखें तो जो मंदा है वो तो वर्ल्ड वाइड ही है। अब आप नोटिस करो ना कि मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखते हैं तो वहां पर भी मंदा चल रहा है, फिर भी उस हिसाब से हम लोग अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे हैं और जो भी अपनी जरूरतें हैं वो पूरी कर पा रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है विकास के कारण कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन हम उसके लिए रेडी हैं। आपको लगता है राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं इस बार? देखिए हमें तो हमारा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ है, इस बार मोदी दोबारा से 400 पार। अच्छा। मोदी जी जिंदाबाद। अगर हम बात करें पूर्वी दिल्ली लोकसभा की, 10 साल से यहाँ पर बीजेपी से बीजेपी का राज है, पहले गौतम गंभीर थे, उनसे पहले महेश गिरी थे, और अब की बार बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दी है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लड़ रही है अलायंस में, उनकी तरफ से कुलदीप कुमार खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा पूर्वी दिल्ली से? भाई दिल्ली की अगर हम दिल्ली की बात करें तो 7 सीटें हैं जी, 7 लोकसभा सीटें हैं, तो सातों पे बीजेपी है जी, 7 की 7 पर। यानी आप कह रहे पूर्वी दिल्ली के अलावा और भी सब सीटों पर बीजेपी कमल खिलाएगी? बीजेपी है। तो व्यापारी वर्ग खुश लग रहा है इस बार बीजेपी से? देखिए मतलब व्यापारी वर्ग तो खुश है ही, देखो अब हर चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो गई हैं, जीएसटी आ गया है, हर चीजें मतलब ट्रांसपेरेंसी में है, सब चीजें तरीके से चल रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो देश के लिए तो काम आ रहा है, हम लोगों को अब हमारी रोड बन रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अच्छे अच्छे मतलब पुल बन गए हैं, बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं, निकलते हैं तो अच्छे पार्क मिलते हैं, ग्रीनरी मिलती है, तो ये सब टैक्स ही तो बनता है, सरकार अपने पास से कहाँ से लाएगी, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं। बीजेपी के काम से खुश है और इस बार मोदी को प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई और ऑप्शन दिखता भी नहीं हमें। तो आज हम आए थे पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर हमने लोगों से सुना और उनसे बहुत कुछ समझा कि इस बार वो पूर्वी दिल्ली में 21 प्रत्याशी को अपना सांसद बनाएंगे। हमने एक बात जरूर नोट करी कि पहले की तरह इस बार भी पूर्वी दिल्ली में बीजेपी का कब्जा जमता नजर आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।